सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल द पाचे गाइज। सो गाइज कैसे हैं आप सब? खूब करता हूँ, आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। सो गाइज, इंडिया में जो क्लासिक बाइक का जो ट्रेंड है ना, वो बढ़ते ही जा रहा है दिन पे दिन। जो काफ़ी सारी कंपनीज जो क्लोज हो चुकी थी, जो आफ्टर इंडिया की कंपनी थी, मतलब इंडिया के बाहर की फॉरेन कंपनीज थी जो इंडिया आई थी और उन्होंने इंडिया छोड़ दिया था, वो भी फिर से वापस आ रही है, क्योंकि उनको जो है क्लासिक और विंटेज बाइक्स जो इंडिया में सेल करनी है, क्योंकि इंडिया में जो इसका क्रेज दिन पे दिन बढ़ते ही जा रहा है। जैसे कि जावा, एसडी, बुलेट, ये सब जो है एक दूसरे की कॉम्पिटिटर है। उसी के साथ साथ होंडा CB350 भी जो है इंडिया में लॉन्च हो गई। उसके बाद अब जो है लॉन्च हो रही है BSA गोल्ड स्टार 650, यानी BSA कंपनी ने जो है इंडिया में अपनी बाइक को लॉन्च कर दिया है, जो कि देखने में काफी ज्यादा विंटेज, काफी ज्यादा क्लासिक, काफी ज्यादा जबरदस्त है। अब देखते हैं इस वीडियो में कि आखिर उस बाइक में आपको कौन कौन से जो है फीचर्स मिलते हैं, कौन कौन से स्पेसिफिकेशंस मिलते हैं और उसकी प्राइसिंग कितने होने वाली है। तो गाइस वीडियो में एंड तक जरूर बने रहे ताकि आपसे कोई भी पॉइंट मिस ना हो जाए। सो गाइस वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो में बने रहिए। सो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं BSA गोल्ड स्टार 650 के बारे में, जो कि एक काफी क्लासिक बाइक है, देखने में काफी जबरदस्त है। इस बाइक के कुछ स्पेसिफिकेशंस देख लेते हैं गाइस, उसके बाद इसके फीचर्स की बात करेंगे और एट द एंड इसके प्राइसिंग की भी बात करेंगे। सो गाइस, इस बाइक में आपको 652 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल इंजन देखने के लिए मिल जाता है, जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 45.5 PS की और टॉर्क प्रोड्यूस करता है 55 न्यूटन मीटर का। इस बाइक के जो पावर फिगर्स है गाइस, वो काफी ज्यादा सिमिलर है GT650 के। हालांकि GT650 में आपको जो है पैरेलल ट्विन इंजन देखने के लिए मिल जाता है, यानी कि टू सिलेंडर इंजन मिल जाता है, उसके बाद भी उसमें सिर्फ 47 PS की पावर जनरेट होती है। और ये बाइक जो है 650 सीसी के साथ साथ सिंगल सिलेंडर होने के बावजूद आपको 45 PS की पावर प्रोड्यूस करके दे रही है, जो कि काफी ज्यादा जो है एक अमेजिंग थिंग है और एक अमेजिंग इंजीनियरिंग है गाइस। सो गाइस बात करें अगर ब्रेकिंग की, तो इसमें आपको फ्रंट में डिस्क और रियर में डिस्क देखने के लिए मिल जाता है। बात करें व्हील्स की, तो इसमें जो है आपको अलॉय व्हील्स और मैक व्हील्स दोनों का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। और गाइस बात करें अगर फीचर्स की, तो इस बाइक में आपको सेफ्टी के कंसर्न से देखते हुए ड्यूअल चैनल ABS देखने के लिए मिल जाता है। साथ ही साथ आपको इसमें जो है क्लस्टर, वो पूरा एनालॉग देखने के लिए मिलता है, यानी कि आपको इसमें डिजिटल क्लस्टर देखने के लिए नहीं मिलता है गाइस। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं इस बाइक में और कुछ फीचर्स की, तो इसमें ऐसा कुछ फीचर्स और दिया नहीं हुआ है गाइस। ये जो है पूरी विंटेज और क्लासिक बाइक की तरह से इसको मेड किया गया है। आपको इसमें क्रोम देखने के लिए मिल जाएगा, लाइक इसके मड गार्ड्स पे, आपके इसके इंजन पे भी जो है क्रोम देखने के लिए मिल जाएगा, आपको इसके टैंक पे भी क्रोम देखने के लिए मिल जाएगा और रियर फेंडर पे भी क्रोम देखने के लिए मिल जाएगा। तो बाइक जो है काफी ज्यादा ब्यूटीफुली मेड है, काफी ज्यादा कंफर्टेबल है। मैंने तो इसको चलाया नहीं है, बट जितने लोगों से मैंने बात करी है, उन्होंने यही बताया कि बाइक चलाने में काफी ज्यादा कंफर्टेबल है। वाइब्रेशंस इसमें मुझे 100 kmph के बाद ही फील हो रही है, उससे पहले वाइब्रेशंस फील नहीं हो रहे हैं। और पावर टू वेट रेशियो काफी ज्यादा जबरदस्त है बाइक का। तो ये सारी चीज़ें जो है मुझे पता लगी इस बाइक के ओनर से। और बात करें अगर प्राइसिंग की एट लास्ट, तो ये बाइक जो है 3 lakh से स्टार्ट होकर 3,35,000 रुपीज एक्स शोरूम तक जाती है गाइस। तो गाइस आपको ये बाइक कैसी लगी, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्या आप इस बाइक को परचेस करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे, ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय। कोई छोरी ना छेड़े, मुका ढोल बना दूंगा, बजेंगे थपेड़े, न्यू मैं करता।